गाइज वेलकम बैक टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो गाइज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंड वन इज द चिकन पॉक्स। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंजा। सो गाइज व्हाट इज इन्फ्लुएंजा, जिसको हम और क्या बोलते हैं फ्लू, जो कि मेनली देखने को मिलता है विंटर सीजन में लाइक अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में। सो व्हाट इज इन्फ्लुएंजा, इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज मेनली अकर्स इन विंटर सीजन। कौन से सीजन में होता है? विंटर सीजन में। और इसका अनदर नेम क्या है? अनदर नेम इज फ्लू। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा डिजीज कंडीशन है, ये मेनली कौन से एज ग्रुप को इफेक्ट करता है? सो गाइज इन्फ्लुएंजा सारी एज ग्रुप को कवर करता है, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, अडल्ट या फिर ओल्ड एज। तो एज ग्रुप में कौन से आएंगे? ऑल एज ग्रुप। नाउ नेक्स्ट वन इज द इनक्यूबेशन पीरियड फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो इनक्यूबेशन पीरियड है, इनक्यूबेशन पीरियड मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जब से डिजीज कंडीशन का जो वायरस है वो बॉडी में एंटर हुआ और जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम वहां पे क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड। सो इनक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है 1 to 2 days, या फिर आप बोल सकते हो 24 to 48 hours, 1 to 2 days। सो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन थी इन्फ्लुएंजा की। नाउ कम्स ऑन द कॉजिटिव एजेंट फॉर द इन्फ्लुएंजा। सो इन्फ्लुएंजा का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के भी 3 types होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी। सो पॉजिटिव एजेंट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, और इन्फ्लुएंजा वायरस के फर्दर टाइप है ए, बी एंड सी। सो ये क्या है, लाइक अगर आपसे कोई पूछे इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है, सो इन्फ्लुएंजा वायरस ही इन्फ्लुएंजा को कॉज करेगा और ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन है। नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये जो इन्फ्लुएंजा है ये हमारी बॉडी में कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है। सो इसमें सबसे पहले आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर आप बोल सकते हो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। इसका मतलब होता है कि एयर में जो ड्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने स्नीजिंग किया, कफिंग किया, सो उसमें जो वायरस है वो ड्रॉपलेट के थ्रू हेल्दी पर्सन में जा सकता है। सेकंड थिंग आती है कंटामिनेटेड फोमाइट्स, एंड थर्ड थिंग आती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इट मीन्स हैंड शेक करके या किसी थिंग्स से टच करके जो कि इन्फेक्टेड पर्सन ने ऑलरेडी टच की हो, सो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। सो ये 3 क्या थे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ थर्ड थिंग क्या आती है इसके साइन एंड सिम्टम, मतलब इन्फ्लुएंजा वाले पेशेंट में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। सो नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम, इट मीन्स कि जो इन्फ्लुएंजा वाला जो पेशेंट है उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम वहां पे शो होगा फीवर। फीवर क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, आइदर वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई है या वायरस है, सबसे पहले जो अनहेल्दी पर्सन जो हो रहा है उसको क्या होगा? फीवर अराइज होगा। सो फर्स्ट वन इज द फीवर। फीवर कितना हाई जा सकता है? 102 degrees Fahrenheit तक जा सकता है, इट मीन्स आप बोल सकते हो हाई ग्रेड फीवर। सेकंड वन इज द फीवर के साथ साथ वहां पे देखने को मिलेगा मैलेस। मैलेस मीन्स थकावट होगा उसको, चिल्स होंगे, ठंड लगेगी, हेडेक, एंड उसको हो सकता है बैकएक। नेक्स्ट वन इज द लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज द फेस इज फ्लश्ड। इन्फ्लुएंजा में जो फेस है वो बिल्कुल रेड हो जाता है, सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? फेस इज फ्लश्ड। एंड
लास्ट सिम्टम इसमें हो सकता है कि ये जो सारे सिम्टम है ये सीवियर कंडीशन में जाके पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, बिकॉज अगर फीवर, मैलेस, ये सारी चीज़ें कोलैबोरेट हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालेंगी, तो वहाँ पे डिस्निया देखने को मिल सकता है और वहाँ पे एपनिया भी हो सकता है. सो डिस्निया की कंडीशन की वजह से वहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है. नाउ कम्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा. सो नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो हम इस चीज में क्या क्या यूज कर सकते हैं? वैक्सीनेशन. इन्फ्लुएंजा के अंगेंस्ट कौन सी वैक्सीन लगती है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. और ये जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है इसके जो कंटेंट है वो एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इसका ट्राइवेलेंट था, नाउ इस ईयर 2021 में ये टेट्रावेलेंट के नाम से दी जाती है. सेकंड थिंग इज द आइसोलेशन. जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है उसको आइसोलेट होना है एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट थिंग, अवॉइड स्पिटिंग इन द पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस में थूकना नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ड्रॉपलेट से ये इन्फेक्शन फैलता है. सो क्या करना है? अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस. नेक्स्ट वन इज द पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द हेल्दी हैबिट्स. नाउ हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? यूज ऑफ मास्क, हैंड हाइजीन, अवॉइड क्राउडेड प्लेस, हेल्दी डाइट, अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड स्मोकिंग. सो ये सारे किस चीज़ में आएंगे? हेल्दी हैबिट्स में. हेल्दी हैबिट्स. सो ये सारे क्या थे? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा. नाउ कम्स ऑन द ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल आप फार्मेकोलॉजिकल या नॉन फार्मेकोलॉजिकल क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो? सो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले देंगे वहाँ पे एंटीवायरल ड्रग. क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक वायरल डिजीज कंडीशन है. सेकंड थिंग हम दे सकते हैं एनर्जेसिक, बिकॉज मैंने आपको बताया था साइन एंड सिम्टम में उसको फीवर के साथ पेन भी रह सकता है. सो ये उस केस में हम क्या देंगे वहाँ पे? एनर्जेसिक्स. नेक्स्ट थिंग, अगर उसको बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे? कफ सप्रेसेंट देंगे. कफ सप्रेसेंट. एंड फीवर को कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं वहां पे एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक जो कि फीवर को कम करते हैं. सो ये सारा क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस. एंड दीज आर द ट्रीटमेंट दैट आर यूज फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस. नाउ गाइस, नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, वूपिंग कफ.